कक्तृपुर नाइटने खापने ताखुखुखसों सिं लोकसभानि चंगबारैने केथिंगै फायदे हिंगे हायने हाय जरा कबांग मानि यागुलो ओ हास्तेनि बिजेपिनि नायकल फांगताय नेशनल बिजेपिनि नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवदर जिबायजों कक सालायनाय बरक सालखबांग मानि सिगांसिनि त्रिपुरा हास्तेव कक रलांमानि बिसि कायसा सिगां कक रलांमानि बिसि कायसानि यागुलो त्रिपुरा हास्तेन ब बाहायखान नखा ताय उ चंगबारिव बरकनि बिजेपि बाहाय सामुखैनाय ताय तमरिनानि बागै कक सारनाय ताय केन्द्र बिजेपि फोर फायन अबरखनो ताय जों कक सानाय तो पहले तो सर बहुत दिन के बाद फिर कोक त्रिपुरा में आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको स्वागत है कोक त्रिपुरा में। जी त्रिपुरानी ताकुक तेई बुकुक जतनु खुलुम खा। अभी तो मुद्दा है तो लोकसभा है, देश में ये नारा चल रहा है अगली बार फिर मोदी सरकार, ये नारा चल रहा है। दूसरी तरफ भी कांग्रेस का भी नारा चल रहा है, तो अभी आपका क्या लग रहा है केंद्र में क्या होगा, उसके बाद त्रिपुरा में क्या होगा? आप आपके ख्याल से कौन आ रहा है केंद्र में और त्रिपुरा में केस ये चुनाव कैसे होगा? केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ दूसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। और त्रिपुरा वासियों से ये मैं कहूँगा कि आप भी कोई शंका न रखें, जिन नरेंद्र मोदी जी के कारण त्रिपुरा को मुक्ति मिल गई 25 साल के कम्युनिस्टों के अत्याचारी रूल से, उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया, सबसे ज़्यादा अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया, तो वो उन्होंने जनजाति को ख़त्म करने का काम किया। जनजाति की भाषा, जनजाति की ज़मीन, जनजाति का आत्मगौरव, जनजाति का स्वाभिमान, ये पूरी तरह से धूल धूसरित करने का काम, उसको ख़त्म करने का प्रयास सीपीएम ने किया। इसमें सीपीएम के जनजातीय नेता भी शामिल थे, उन्होंने अपनी सारी अकल और अपना स्वाभिमान माणिक सरकार महोदय के चरण में छोड़ दिया था, और उन्होंने अपना खुद का नहीं तो सारे त्रिपुरा के जनजातीय लोगों का आत्माभिमान सारा कम्युनिस्ट पार्टी के चरणों में दे दिया और नुकसान किया, बैकस्टैबिंग किया जनजाति समाज का। और इसलिए जनजाति समाज में भी इच्छा थी कि परिवर्तन करे, लेकिन कांग्रेस ने कभी जनजाति में जाने का ही प्रयास नहीं किया। तो जनजाति डिपेंड रहती थी ट्राइबल पार्टीज़ के ऊपर, कभी INPT कभी IPFT, कोई नेशनल पार्टी जनजाति की बात सोचने वाली त्रिपुरा में नहीं आई थी, BJP बहुत थोड़ी सी थी। लेकिन गए 3 साल में जो जनजाति में BJP ने काम किया है, BJP ने जनजाति के सेंटिमेंट को समझा है, सेंटिमेंट को लेकर जो काम करना चाहिए वो किया है, जागरूक करने का काम किया है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव वर्मा जी का नाम अगर आज त्रिपुरा के एयरपोर्ट को मिला है अगरतला का, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला हुआ है, क्योंकि ये मांग हमने की थी। वो जो कांग्रेस के महाराजा जो अध्यक्ष है, वो सालों से कांग्रेस को राहुल बाबा को बताते रहे कि नाम बदलो नाम बदलो, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। केंद्र सरकार की कांग्रेस रहते हुए भी कांग्रेस के महाराजा की बात केंद्र के कांग्रेस ने नहीं मानी। और उसके बारे में जब हमने ये मांग की, तब इसी कांग्रेस के अध्यक्ष महाराजा ने, प्रद्युत किशोर ने ट्वीट करके ये कहा है कि जो चीज़ मैं नहीं समझा सका मेरे नेशनल लीडरशिप को, वो BJP ने अपने नेशनल लीडरशिप को समझाया करके। और हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, दिया हुआ वादा हम निभाते हैं। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने महाराजा वीर विक्रम का नाम त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट को दिया है। हमने महाराजा का एक सुंदर पुतला स्टैचू हमने एयरपोर्ट के प्रांगण में खड़ा किया है। हमने महाराजा वीर विक्रम की स्मृतियों को जागृत रखने के लिए, उनकी महानता सबको बताने के लिए त्रिपुरा के पूरे 3,224 बूथ में सब जगह पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी की जो जयंती है, उस जयंती के दिन 19 अगस्त को हम उसको हर बूथ पर मनाते हैं। बंगाली भी मनाते हैं, मणिपुरी भी मनाते हैं, चाय बागान वाले भी मनाते हैं,
जनजाति भी मनाते हैं, देबरमा मनाते हैं, मुलसुम मनाते हैं, रियांग मनाते हैं, चकमा मनाते हैं, बीजेपी सब में है और सब लोग महाराजा को रिस्पेक्ट देते हैं, सब लोगों के मन में जनजाति के प्रति प्रेम है। ये जनजाति का गमछा, ये जो हमारा उत्तरीय, ये रिसा, ये रिसा कौन पहनता था बताइए तो, 3 साल पहले याद कीजिए, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के नेता के गले में आपने ये जनजातीय उत्तरीय देखा था? जनजातीय नेता नहीं पहनते थे ये उत्तरीय, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको पॉपुलर किया। इतना पॉपुलर हुआ कि त्रिपुरा जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा का सेशन हुआ, सभी पार्टी के लगभग 300 सांसदों को उन्होंने त्रिपुरा का रिसा भेंट दिया। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमारा जनजातीय रिसा 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को गिफ्ट दिया दिल्ली में। पूरे दुनिया ने देखा त्रिपुरा का रिसा, त्रिपुरा का स्वाभिमान, ये भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। हमने कहा कि डायरेक्ट फंडिंग की बात हम करेंगे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को अधिक ताकत देने का जो बिल है वो बिल पास किया। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था उसको टेरिटोरियल काउंसिल बनाया। और डायरेक्ट फंडिंग कैसे किया है, पहले क्या होता था, ये जो जनजाति एरिया के लिए, जो ट्राइबल एरिया के लिए, जो TTADC के लिए जो फंडिंग रहता था राज्य सरकार के हाथ में रहता था और कम्युनिस्ट सरकार कभी भी बजट नहीं देती थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, इशू बेस्ड बताती थी क्या रास्ता बनाना है इतना लो, बहुत ही कम देती थी और उसमें भ्रष्टाचार, कमीशन काट के, सब कुछ कमीशन काट के। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने डिसीजन लिया कि नॉर्थ ईस्ट के सब जगह पर जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका जो बजट है वो बजट केंद्र डिसाइड करेगा, केंद्र देगा, राज्य सरकार को देगा, राज्य सरकार सिर्फ पोस्टमैन का काम करेगा, उसको यहाँ से लेना है और वहाँ देना है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है कि वो बजट देना है या नहीं देना है, उसमें कुछ कम करना है ज़्यादा करना है, वो अधिकारी निकाल लिए। इसका मतलब जनजाति के लिए स्वाधीनता के बाद में आज तक सबसे बड़ा काम अगर किसी ने करके दिखाया तो वो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार ने करके दिखाया। जितने भी हमने योजनाएं यहाँ पर लाई है, मोदी जी की शौचालय की योजना है, घर की योजना है, गरीबों को मिलने वाली योजना है, तो त्रिपुरा में तो सबसे ज़्यादा गरीब जनजाति है, तो सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ तो जनजातियों को मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला का सिलेंडर सब गरीब महिलाओं को अगर मिला है तो वो सबसे ज़्यादा तो जनजाति महिलाओं को मिला है। हमारे मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी गंडाछरा में जाकर, गाँव में जाकर, जहाँ मुख्यमंत्री बनने से पहले बुरी अवस्था में उन्होंने गाँव को देखा था, जनजाति को देखा था, वहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद जाकर उन्होंने वो सारा ठीक करने का काम किया है। मुख्यमंत्री हो, हमारे उप मुख्यमंत्री हो, हम सब लोग जनजाति के विकास के लिए कमिटेड हैं और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि त्रिपुरा के जनजाति, जिन्होंने विधानसभा के समय BJP को वोट नहीं किया था, डर के मारे CPM को वोट किया था, वो लोग भी अभी CPM के पास जाने वाले नहीं हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूर माधवबाड़ी का जो इंसिडेंस हुआ वो बहुत गलत हुआ, BJP और उस बिप्लब देव जी की सरकार उसका समर्थन नहीं करती है। पहली बार इंक्वायरी कमेटी बनने के बाद उसका रिपोर्ट टेबल किया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड किया है, ये पहली बार हुआ है। कम्युनिस्ट सरकार के समय याद करके देखिए कब ये होता था, इंक्वायरी कमेटी बैठती थी, 20-20 साल लगते थे इंक्वायरी कमेटी को। हम लोग जो गलत किए हैं उसको गलत बोलेंगे, हम कभी गलत का समर्थन नहीं करेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग विश्वास रखिए, हमारा पूरा वादा है कि जनजाति को उसका खोया हुआ गौरव, खोया हुआ स्वाभिमान, खोई हुई भूमि, जमीन आपकी वापस लौटाएंगे। इन्हीं 5 साल में, 1 साल हो गया है, बचे हुए 4 साल में हर जनजाति को जमीन के पट्टे के साथ उसका घर, उसका मकान मिलेगा, ये हमारा वादा है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। महाराजा ने, प्रद्युत किशोर जी ने जनजाति और बंगाली को तोड़ने का काम किया है,
माँ त्रिपुरा सुंदरी के दोनों बेटे हैं, दोनों भाई भाई हैं आपस में, और IPFT जो त्रिपुरा लैंड की मांग करता है वो असंभव मांग है, गलत मांग है। अरे सारा त्रिपुरा ही त्रिपुरा लैंड है, सारा त्रिपुरा जनजाति का है। अरे बांग्लादेश में गया वो कुमिल्ला भी जनजाति के ही महाराजा के अंतर्गत था, तो वो अभी का जो त्रिपुरा है उसको काटना मतलब जनजाति के ऊपर अन्याय करना। बंगाली और जनजाति के बीच झगड़ा लगाने का पहला काम किया था CPM ने, और अभी ये जो काम किया है, ये करने का प्रयास कर रहा है, ये कांग्रेस कर रही है। इसलिए न कांग्रेस न CPM, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े रहे, हमारे हाथ मजबूत करें। रेवती त्रिपुरा, जो देखिए हमने नौजवान को टिकट दिया है, एक नौजवान युवा जो शिक्षक है, कांग्रेस ने किसको टिकट दिया है? कौन राजा की बहन कभी दिखाई दी त्रिपुरा में आपको? शिलोंग में रहती है, इलेक्शन लड़ने का समय आ गया तो इधर आ गई, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होना चाहिए। जो इस भूमि में रहता है, जो इस भूमि में रहकर कॉकबोरोक भाषा बोल सकता है, उनके साथ रहकर आप लोगों के साथ दिन रात रहता है, ऐसा रेवती त्रिपुरा एक टीचर है, एक शिक्षक है, एक अच्छा नौजवान युवा है, प्रतिमा भौमिक हमारी महिला है, पूरे राज्य में प्रतिमा भौमिक जी और रेवती त्रिपुरा के पीछे जनजाति खड़े रहे। ये कॉक त्रिपुरा के माध्यम से मैं आपको आह्वान करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सारे वादे पूरे करेंगे। मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना आज देश की आवश्यकता है। पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, कौन सुरक्षित रख सकता है देश को? ये केवल नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित रख सकते हैं। गरीब का विचार कौन करता है? मोदी जी कर सकते हैं। हर जिले के अंदर एकल जो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स है हम बनाएंगे, जनजाति के लिए बनाएंगे। केंद्र सरकार की योजना है, उसको पूरी तरह से लागू करेंगे आने वाले 4 साल के अंदर। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, और कॉक त्रिपुरा के कमल जी, आपने मुझे सवाल पूछा है, मैंने ज़रा लंबा जवाब दिया है, लेकिन मेरा जवाब यही है कि मोदी जी लगभग 350 से ज़्यादा, और चमत्कार हो जाएगा तो 400 पार, लेकिन इस बार BJP पूर्ण बहुमत में सरकार में आएगी और NDA 350 पार करेगा। और त्रिपुरा के 2 सांसद, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह के सामने बटन दबाए। प्रश्न है जो नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर बर्न हुआ था, वो है CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो अमित शाह जी ने गुवाहाटी में आके, आसाम में आके कहा हम आएंगे तो फिर से CAB लागू करेंगे, वो वाला। इसमें ज़्यादा नाराज़गी है जनजातियों में, यहाँ सिर्फ जनजाति नहीं है, यहाँ का जो बंगाली भी है, यहाँ का मूल निवासी है जो त्रिपुरा का, बंगाली और जनजाति दोनों ही इसके ऊपर ज़्यादा नाराज़गी है। अगर BJP आएंगे तो फिर कैप लाएंगे, कैप के बारे में क्या है? आखिर में BJP फिर से केंद्र में आएगी तो भी कैप लाएंगे? देखिए, त्रिपुरा का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में कोई संबंध नहीं है। ये संबंध क्या है मैं बताता हूँ। ये संबंध ये है कि जो नागरिक बन चुके हैं यहाँ पर, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अभी कोई निकाल नहीं सकता है। जनजाति को मैं इतना वादा पक्का करता हूँ, और किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को हम आने नहीं देंगे। और बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए ये यहाँ पर घुसे हुए हैं, ये अभी के जो समय में है, जैसे घुसपैठिए मुसलमान ये कई जगह पर देश भर में घुसे हैं, वैसे त्रिपुरा में भी घुसे हैं। ये घुसपैठिए मुसलमान जो है, इनको ज़रूर ढूंढ ढूंढ कर हम वापस बांग्लादेश भेज देंगे, इतना मैं आपको पक्का बताता हूँ। और ये घुसपैठिए मुसलमानों से त्रिपुरा के सभी लोगों को खतरा है। ये आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं, ये जो अलग अलग केसेस हुई है, बंगलोर का बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो पकड़ा गया है प्रतापगढ़ में, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान है, इन लोगों से खतरा है, इन लोगों से सावधान रहिए। असम को भी उन लोगों से खतरा है। मेरा आपसे निवेदन है, माँ त्रिपुरा सुंदरी के हम बेटे हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी की आप भी पूजा करते हो, माँ त्रिपुरा सुंदरी का बंगाली भी पूजा करता है, आपस में भाईचारा रखें, और ये तोड़ने वाले लोगों को हम बिल्कुल
तवज्जो ना दे, उनको महत्व ना दे, हम जोड़ने का काम करें। और एक सवाल, हमने पूरे त्रिपुरा घूम के आए हैं, अभी अभी हम नॉर्थ त्रिपुरा दलाई वो होके आए हों, अंदर में जहाँ जनजाति बॉर्डर एरिया बहुत अंदर में जो रहते हैं, जहाँ भी शिक्षा का सुविधा नहीं है, जहाँ भी पानी का सुविधा नहीं, वहाँ जाके हम लोग आए। पहले जो काम होता था रेगा का काम, अभी रेगा का काम नहीं हो रहा है। पहले जो 70 दिन 80 दिन हो रहा है, अभी सिर्फ 30 दिन हो रहा है। लोगों का खाने का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, इनकम नहीं है, तो बांग्लादेश में जाके एक गंदगी होते हैं उसका जड़ी बूटी, वो वहाँ 10-15 दिन रह के वो जान हथेली लेके वो कलबार के अंदर से रात में वो लोग जाते हैं, 2 दिन पैदल में जाने पड़ते हैं, उधर भी टैक्स दे के ऐसे करके वहाँ सुखा के ये लोग इनकम कर रहे हैं। ये इसकी सारा कोई इनकम के सोर्स नहीं रहा, ऐसे हमको इंटरव्यू दिया है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अभी ये सरकार को तो हम लोग जनजाति यहाँ का बंगाली सब मिल के अच्छे दिन के लिए लाए हैं, लेकिन अभी जनजातियों को खाने नहीं मिल रहा है। पूरे दलाई डिस्ट्रिक्ट में ये अभी खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जाके कोई उसके साथ कनेक्शन भी नहीं है गवर्नमेंट के, या कोई नेता जाके पूछता नहीं, एमएलए नहीं जाते, 1 साल हो गया एमएलए वहाँ नहीं जा रहे, ये क्या हो रहा है? आप इसके बारे में क्या सुझाव देंगे? आप जो बता रहे हैं ये मेरी जानकारी में नहीं था, और ये बहुत गंभीर बात है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी जनजातियों को आवाहन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। ये जो जो बातें हैं ये 3 महीने के अंदर क्लियर होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर देखेगी। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, जिष्णुदेव वर्मा जी से बात करूंगा, सभी विधायकों से बात करूंगा। अगर ये नीचे से इस चैनल को मिला हुआ फीडबैक है तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है, लेकिन बीजेपी कमिटेड है करने के लिए। मैं सिर्फ 3 महीने का समय मांगता हूँ और मैं पर्सनली आऊँगा इन जगह पर। मैं आपको वादा करता हूँ, चुनाव खत्म होने के बाद मैं आपके साथ इन सब जगह पर चलूँगा और मैं वहाँ देखूँगा कौन विधायक नहीं आता है, कौन काम नहीं करता है, कौन सा सरकारी अधिकारी काम नहीं करता है, और वो रिपोर्ट विप्लव दा को हम देंगे और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। मुझे पता है विप्लव दा इतना प्रेम करते हैं जनजातियों को। ये क्या है मैं बताता हूँ, ये कम्युनिस्ट सरकार के समय इतना एक काम न करने का, पैसा खाने का एक ऐसा तंत्र इन्होंने बना के रखा था कि जो इनका शोषण करता था। पार्टी का काम करो तो कुछ मिलता था, पार्टी का काम करो तो कुछ नहीं मिलता था। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अभी आप बता रहे हैं ये अगर सत्य है, और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि आप जो करते हैं मुझे कॉक त्रिपुरा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि पहले भी आपका जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसका मैं कायल हूँ, मैं फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपने वो उस एक मरीज़ को जो लेकर आए थे, फिर उसको मैंने आर्थिक सहयोग भी किया था आपके माध्यम से। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कोई गलती हो रही है, 3 महीने के अंदर हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन इससे लोग जो है इसके कारण और बड़ी भयंकर गलती करने ना जाए, ये मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से है सभी। और एक लास्ट सवाल सर, वो IPFT के साथ आप यहाँ त्रिपुरा के BJP का रिश्ता क्या होगा अगले दिनों में? अब जो स्थिति है, अभी जो इलेक्शन में 2 सीट में ही BJP, 1 सीट में IPFT मांग रहे हैं, नहीं मांग, IPFT तो अभी तोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो अगले दिनों में जो अलायंस है, अलायंस टूट सकता है क्या? BJP के साथ रह सकता है क्या? आप इस बारे में कुछ बात करना चाहिए। देखिए, ये जो महाराजा ने जो गंदा पॉलिटिक्स किया ना, जनजाति और बंगाली में झगड़ा लगाने का, तो इसके कारण IPFT के अंदर जो थोड़े से फैनेटिक टाइप के जो लोग थे वो लोग उधर अट्रैक्ट हो गए, और IPFT की यही चिंता थी कि हमारे लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे, और अगर हम चुनाव अलग से नहीं लड़ेंगे तो हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो चुनाव चिन्ह ही ख़त्म हो जाएगा, सब जगह कमल कमल आ जाएगा। तो कमल से डर, कमल के डर से उन्होंने कहा नहीं, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, राज्य सरकार में आपके साथ रहेंगे।
मैं त्रिपुरा वासियों को बताना चाहता हूँ, ये जो अलायंस है ये विधानसभा तक ही लिमिटेड है, ये अलायंस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस में नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, सब सीटों पर लड़ेगी और पूरे जनजातियों को समर्थन मांगेगी कि बीजेपी के ही सभी MDCs चुन कर आए। अब हम अलायंस उन्होंने यहाँ पर नहीं किया, उधर भी हम अलायंस नहीं करेंगे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लड़ेंगे। विधानसभा में हमारा अलायंस है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब तक IPFT मानती है तब तक अलायंस चालू रहेगा। जिस दिन सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री और विधायक उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के खिलाफ बात करेंगे, कहेंगे कि हम ये नहीं मानने वाले, तो गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, जतनु हम बाय जतनु खुलुम खा, आप आपके रास्ते चल पड़ो हम हमारे रास्ते चल पड़ेंगे। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है इस चुनाव के बाद में IPFT की आँख खुलेगी और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बचे हुए 4 साल लोगों की सेवा करने लोगों ने चुना हुआ है, अलग लड़ने के लिए लोगों ने नहीं चुना है, लोगों ने वोट इसलिए दिया, IPFT के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के लोगों ने IPFT को वोट दिया, इसलिए वोट दिया कि आप 5 साल इकट्ठा रहने कर काम करने का वादा किया है, हम वादा निभाने के लिए तैयार है। हमने IPFT को नहीं कहा आप अलग से लड़ो, हमने कहा कि पार्लियामेंट की कोई बात नहीं है, राज्य का कानून बनाने के लिए ये असेंबली होती है, आपकी समस्या राज्य में है और केंद्र में समस्या सॉल्व करने के लिए मोदी जी बैठे हुए हैं, डायरेक्ट फंडिंग का इनडायरेक्ट फंडिंग डायरेक्टली कर ही दिया हमने, तो इसलिए हमने कहा कि पार्लियामेंट की सीट हम लड़ेंगे, किसी भी हालत में पार्लियामेंट की सीट हम आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको अलग लड़ना है, तो हमने कहा ठीक है फ्रेंडली फाइट हो जाए। तो ये जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में त्रिपुरा में फैंटास्टिक चुनाव है, ये पता चलेगा कौन कितने पानी में है, IPFT कहाँ है इस राज्य में, CPM कहाँ कितने नीचे चली गई है, कांग्रेस है या नहीं है और BJP ने जो काम किया है उसकी कितनी सराहना है, ये इस चुनाव में पता चलेगा। इसलिए आप सब लोग निर्भय होकर वोट दीजिए। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, हिंसा मत कीजिए। ये CPM वालों ने फिर शांतिर बाज़ार में BJP के लोगों को मारा है, कई जगह पर कांग्रेस हिंदू मुसलमान के दंगे लगाने में लगी हुई है, ये माणिक सरकार महोदय बोल रही थी BJP आएगी तो दंगा लगाएगी दंगा लगाएगी, 1 साल हो गया कहाँ दंगा हुआ, कुछ नहीं, ये तो दंगा ही तो ये खुद थे, ये माफिया थे, ये गुंडे थे, ये हत्यारे थे, इनको वापस कभी ज़िंदगी में मत लाइए। त्रिपुरा ख़त्म जिन्होंने कर दिया, अब वो शून्य से त्रिपुरा को स्वर्ग तक लेकर जाने का काम हम लोग करना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए। और बाकी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, शांति रखकर जिसको जिसको वोट करना है करने दीजिए, वो CPM टाइप गुंडागर्दी अब मत कीजिए, इतना ही मेरा आप सबसे निवेदन है। खोमलुंग में आके राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी और त्रिपुरा में भी कांग्रेस सरकार होगा, अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी त्रिपुरा में कैसे एक भी कांग्रेस का वो नहीं है MLA नहीं, कैसे कांग्रेस सरकार आ सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए राहुल गांधी जी एक बार बोले कि महीना 12,000 हम गरीब के खाते में डालेंगे, बाद में एक बार बोले वो 72,000 रुपया महीना हर गरीब के खाते में डालेंगे, फिर उन्होंने कहा एक बार कि हम 25,000 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, 25,000 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करेंगे। भैया भारत की आबादी 130 करोड़ है, दुनिया की आबादी 800 करोड़ है और राहुल गांधी जी 25,000 करोड़ की आबादी दूर करेंगे, इस ब्रह्मांड में तो कहीं और इंसान नहीं है, और कोई ब्रह्मांड आविष्कार किया है क्या राहुल गांधी ने, वह जहाँ पर बहुत गरीबी है, भैया वहाँ जाए और कांग्रेस की सरकार बनाए, वहाँ की गरीबी दूर करे, यहाँ की गरीबी दूर करने का ढोंग, ये नेहरू ने गरीबी की बात की, इंदिरा गांधी ने गरीबी की बात की, राजीव गांधी ने गरीब की बात की, सोनिया गांधी ने गरीब की बात की, अब राहुल गांधी गरीब की बात बनाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस आने वाली नहीं है, 44 सीटें थी उससे भी कम होने की संभावना पूरी है और इसलिए केंद्र में 100% BJP आएगी और राज्य के बाकी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि हमारी जगह अब कहाँ है, जिन्होंने पाप किए हैं, जिन्होंने हत्याएं की है, जिन्होंने चोरियां की है, उनकी जगह जेल में होगी,
डेफिनेटली ये लोग जेल में जाएंगे, जितने सीपीएम के क्रूर कर्मा थे ना ये सब जेल में जाएंगे। थोड़ा समय दीजिए और बिप्लब दा को, जो जो मर्डरर्स है साउथ त्रिपुरा के खैरपुर में गुंडा राज करने वाले, ये सारे लोग जेल में जाने वाले, मेरा विश्वास रखिए, समय दीजिए। और एक नारा चल रहा है कि 15 लाख अकाउंट में घुसाने का जो बात किया था इलेक्शन से पहले 2014 से पहले, और त्रिपुरा में भी स्मार्टफोन देने के बाद वो काले धन वाले, इसमें देखिए मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा कि गरीब के खाते में वो 15 लाख डालेंगे। उनका स्टेटमेंट क्या है मैं आज वापस रिपीट करता हूँ। मोदी जी ने कहा था कि इस देश का जितना काला धन स्विस बैंक में पड़ा है और काला धन जितना लोगों के पास पड़ा हुआ है, वो काला धन अगर बाहर निकाला जाए तो वो इतना पैसा होगा कि हर गरीब के खाते में 15 लाख डाल सकेंगे, खाते में 15 लाख जाएगा, इतना काला धन विदेशों में और लोगों के घर में पड़ा हुआ है, ऐसे उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं डालूँगा। ये कांग्रेस, दुष्ट कांग्रेस, झूठ बोलने वाली कांग्रेस, सीपीएम तो महाझूठ, इन लोगों ने ये झूठा प्रचार किया है कि ये बताया कि हम डालेंगे। इन लोगों ने यही झूठा प्रचार हमारे बारे में भी किया कि मिस कॉल दे, जो देगा उसको नौकरी मिलेगी। हमने कभी नहीं कहा था मिस कॉल देने वाले को नौकरी मिलेगी, हमने कहा था ये मिस कॉल जो देगा वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा, हमारे साथ जुड़ेगा, ये हमने कहा था। ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं, लेकिन रोजगार देने की बात बिप्लब दा ने कही है, हमने कही है, और आपने हमको 5 साल का समय दिया है। 5 साल में अगर हमने नहीं दिए स्मार्टफोन आपको, 5 साल में अगर हमने नहीं किए वादे पूरे, तो 5 साल बाद का चुनाव आपके हाथ में है, आपका वोट आपके हाथ में है, आप आपका फैसला कर सकते हैं। लेकिन अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने वादे पूरे नहीं किए, 1 साल में हमने CBI कहा था, CBI की मांग की थी पत्रकारों के हत्या के बारे में, हमने मांग की थी, हमने CBI की जांच चालू की, हमने कहा था रोज वैली और चिटफंड कंपनियों के बारे में हम CBI लाएंगे, हमने CBI देने के लिए केंद्र से रिक्वेस्ट की है, CBI को रिक्वेस्ट किए, CBI उसके ऊपर उसका निर्णय शायद आना बाकी है, लेकिन वो आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है CBI ये आने वाले 4 साल में सारे जो चिटफंड घोटाले में जो फंसे हुए लोग हैं वो जेल में जाएंगे। इतना ही नहीं तो जो उनके पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो टेढ़ी उंगली करके निकलवाएंगे हम, लेकिन चिटफंड वालों को हम ज़रूर सबक सिखाएंगे। हमने चुनाव से पहले कहा था, CBI के पास हमने सौंप दिया है, हमने हमारा वादा निभाया है। 7 पे कमीशन का वादा हमने किया था, 7 पे कमीशन का मैं मानता हूँ पार्शली पूरा हुआ है, मैं नहीं कहता और सरकार भी नहीं की थी पूरी तरह से पूरा हुआ है, लेकिन हमने पे कमीशन के रिकमेंडेशंस तो लागू किए हैं ना। अब उसमें भत्ता वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, जैसे त्रिपुरा सरकार अपना काम करेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, केंद्र से भी अधिक मदद आएगी, तब वो भी हम पूरा करेंगे, हम मना नहीं कर रहे। 25 साल जिन्होंने कुछ नहीं किया उसके सामने हमने कितना सारा किया है बोलने की चीज़ें, दाल दी है अभी बिप्लब दा ने पूरे राज्य को, उज्ज्वला का सिलेंडर और गैस का स्टोव ये मोदी जी ने दिया, उसके ऊपर पकाने के लिए दाल, और जब खाने की समस्या हो गई थी तब चावल दिया कि नहीं, बिप्लब दा ने चावल दिया सभी को, और मुझे पूरा भरोसा है और कोई छोटी मोटी कमियां रह गई होगी हम ज़रूर पूरा करेंगे। लास्ट और एक आंध्र प्रदेश में क्या है, जो आप तो आंध्र प्रदेश का को वो भी है, तो आंध्र प्रदेश का क्या है BJP का? मैं आंध्र प्रदेश आने के लिए कॉक त्रिपुरा चैनल को इनवाइट करता हूँ, आप एक बार आइए, आंध्र प्रदेश की सुंदरता आप दिखाइए। एक बात मैं ज़रूर बताता हूँ, त्रिपुरावासी, 37 लाख त्रिपुरावासी जो मछली खाते हैं, मेरे अनुमान से 50% से ज़्यादा मछली आंध्र प्रदेश से आती है। तो अपनी जे माछ खान एखाने ए माछ आंध्र प्रदेश थे के आसछे, तो की भावे ए माछ ओखाने खेती करे छे, ए रिसर्च करार जन्य आमी कॉक त्रिपुरा के डाकछी, अपनी आसुन अपनी देखुन, और तारपोरे एखाने ए मत्स्य खेती, यहाँ पर फिशिंग हम चालू करें, और एक दिन ऐसा आए कि सारे देश को मछली बेचने का काम त्रिपुरा करे। इसलिए मैं आंध्र प्रदेश की राजनीति पर अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा करना है,
पाँच साल जैसे मैं त्रिपुरा में हूँ वैसे पाँच साल आंध्र प्रदेश में रहकर मुझे वहाँ सरकार लानी है। अभी हम जितना हमसे अच्छा प्रदर्शन हो सकेगा हम पूरा ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, इतना ही मैं बताऊंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कम समय में भी आपने गुरुत्वपूर्ण कुछ विषय पर हमको उजागर किया। तो हमारे कॉक त्रिपुरा के नरक सैमान खाना चीनी और हास्ते बीजेपी मत हानी नायकल फांग सुनील दर्जी तब नेशनल बीजेपी ने बेगरी तेई आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने तब नायकल फांग सामो तांग बन चंग नरक तुबुजा कौर चंग सुखा नरक नाई तंगमान बगे बेलैखाना हम्बाई जतन खुलुमका खुलुमका सर जतनु खुलुमका जतनु हम्बाई।